नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। विवाहिता की हत्या कर शव छिपाने के आरोप में पति सहित 9 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। चौबेपुर पुलिस ने मितिका के पिता शिवशंकर सिंह की तहरीर पर विवाहिता के पति सहित 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देवरा थाना बलुआ चंदौली निवासी शिवधनी सिंह ने अपनी पुत्री रीचा उर्फ जूही सिंह की शादी वर्ष 2017 में चौबेपुर वाराणसी के गोबराहा धाम में सुभाष यादव के साथ की थी। उसको एक पुत्री 3 वर्ष व एक पुत्र 9 माह का है। शादी के बाद से ही पति सुभाष अकारण मारता पीटता था। इसी बीच गोबराहा ग्राम प्रधान का पुत्र ने आवास देने के नाम पर रीचा उर्फ जूही को बॉम्बे फोन कर बताया कि आवास लेना हो तो पति पत्नी दोनों घर आओ। ये सारी बात रीचा उर्फ जूही मोबाइल पर सारी बातें अपनी मां को बताई थी, फिर दोनों अपने घर आए। इसी बीच पति सुभाष यादव ग्राम प्रधान का पुत्र धीरज यादव कई लोगों के साथ रीचा उर्फ जूही की हत्या कर सोता के किनारे गड्ढे में फेंक दिया। 14 दिसंबर को एक महिला का अज्ञात शव पुलिस ने बरामद किया था। उसकी शिनाख्त रीचा उर्फ जूही के नाम पर उसके पिता शिवधनी सिंह ने की। पुलिस ने सोमवार को पिता शिवधनी सिंह की तहरीर पर पति सुभाष यादव, ग्राम प्रधान पुत्र धीरज यादव, अजय यादव, हंसराज यादव, चंद्रमा यादव, राजू यादव, विनोद यादव, लालमणि व लल्ला यादव के विरुद्ध हत्या व शव छिपाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में थानाध्यक्ष राजेश त्रिपाठी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर स्थिति साफ होगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इस बाबत बताया कि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, इसी बाबत जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।